से ये बवाल हुआ है। जी हाँ, कल जो हिंसा भड़की थी झंडे को लेकर, उसके बाद जिस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी, वहां पर कंट्रोल में करने के लिए पुलिस बल लगाई गई थी। लेकिन आज फिर से एक बार फिर से देखिए किस तरह की स्थिति वहां जोधपुर में पैदा हो गई है। ईद की नमाज अदा की गई और उसके बाद आप देखिए कि तमाम लोगों का जो हुजूम है वो इस वक्त जानोरी गेट, ये चौराहा जो है, ये चौक जो है, ये किसी जगह पर इकट्ठा होता है जहाँ पर ये हिंसा कल हुई थी। और आप देखिए कि किस तरह से वहां पर पुलिस को इन पर कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज का प्रयोग करना पड़ता है, बल प्रयोग यहाँ पर करना पड़ता है। ना केवल इतना बल्कि इनको देखिए कि लगातार पुलिस शांति बनाए रखने की, आपसी भाईचारा उसका संदेश देने की बात करती रही, लेकिन इन लोगों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। पुलिस की कई गाड़ियां जिनको तोड़ दिया गया, जिन पर निशाना साधा गया, पत्थरबाजी की गई। और तब जब ये हिंसा भड़की एक बार फिर से, तब देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर हो गई। इनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी का प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त, ये आज सुबह की, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब ईद की नमाज आज सुबह अता की गई, उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो गई। और देखिए कि तितर बितर करने के लिए यहाँ लाठी का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए, क्योंकि ये लोग वहां पर फिर से वही उपद्रव करते हुए नजर आ रहे थे। लगातार पुलिस की अपील कर रही थी कि शांति बनाए रखें, शांतिपूर्वक आप नमाज अता करिए और फिर उसके बाद अपने अपने घरों को लौट जाइए। लेकिन वहां पुलिस से पहले बहस होती है, उसके बाद पुलिस की तमाम जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उनको भी निशाना बनाया गया, उनमें पत्थरबाजी की गई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई। बताया जा रहा है कि 7 से 8 गाड़ियां हैं जो पुलिस की तोड़ दी गई, पुलिस को भी पत्थर यहाँ पर मारे गए। और फिर देखिए कि पुलिस इनको कंट्रोल में करने के लिए, वहां इनको तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग करती नजर आई। ये जोधपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल रात भी इसी तरह की तस्वीरें यहां पर पैदा हो गई थी। एहतियातन फिर उसके बाद जो पूरी तमाम फोर्स है, पुलिस फोर्स है, वो वहां पर लगाई गई थी ताकि किसी भी तरह की कोई स्थिति ऐसी ना पैदा हो। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह की स्थिति यहाँ पैदा होती है जिस तरह से कल हमने देखा था कि शाम में जोधपुर का ये जो जालोरी गेट है, ये जो जालोरी चौराहा है, वहां पर देखने को मिली थी। झंडा हटाने को लेकर, झंडे को लेकर दरअसल ये विवाद पूरा यहां भड़का था। दो गुटों में आपस में बहस होती है, बहस के बाद ये हिंसा में तब्दील हो जाती है, पत्थरबाजी एक दूसरे पर होती है, कई लोग इस दौरान घायल होते हैं। फिर उसके बाद प्रदेश में तमाम वो चीजें, तमाम वो एक्शन जो लेती हुई सरकार नजर आती है, जो शायद उसे पहले ही एहतियातन ले लेने चाहिए थे, जब पता था कि त्योहार है और इस तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न ना हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसे देखते हुए एहतियातन जो कदम पहले ही उठा लेने चाहिए थे वो कल की घटना के बाद जरूर उठाए गए। लेकिन फिर देखिए पुलिस की मौजूदगी में ही एक बार फिर से ये हिंसा भड़कती है। वहां पर हजारों की तादाद में नमाज अदा करने के बाद इन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरह से ये पूरा विवाद जो पनपा था, दो समुदायों के बीच का ये मामला, झड़प किस तरह से हिंसा में तब्दील हो गई। फिर आज सुबह एक बार फिर से यही, ये देखिए ये पुलिस की गाड़ियां हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल शीशे तोड़ दिए गए, पत्थर मारे गए, डंडे मारे गए, जो जिसके हाथ में आ रहा था वो उसी के सहारे पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद इनको तितर बितर करने के लिए पुलिस, हालांकि पहले शांतिपूर्वक लगातार अपील करती रही कि आप लोग यहां से चले जाइए, शांतिपूर्वक नमाज अता करिए, अपना त्योहार मनाइए। और उसके बाद राजस्थान बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे चतुर्वेदी जी आप इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, राजस्थान में कानून का शासन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इसका राजस्थान की कांग्रेस सरकार के तुष्टिकरण की रीति और लगातार एक वर्ग को पूरी तरह से कानून व्यवस्था करते हुए संरक्षण देने की नीति जो चल रही है उसी का परिणाम है। चाहे करौली की घटना हो, चाहे इसी प्रकार से अपने राजगढ़ की घटना रही होगी, या इस प्रकार जोधपुर में जिस प्रकार बिस्सा जी जो थे उनकी मूर्ति के ऊपर एक धर्म विशेष के झंडे को लगा करके एक पूरे उस जालोरी गेट का जो किला था उस किले को पूरी तरह से एक बार सजावट करने का प्रयास किया। जब परिवार के लोगों ने विरोध किया तो उनको पिटाई की गई, जब समाज के लोग आए तो उनके संग निर्ममतापूर्वक पिटा, बाद में पुलिस ने भी शांतिपूर्वक विरोध करने वाले लोगों के ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया।
ये स्पष्ट प्रकट करता है कि राजस्थान की सरकार एक वर्ग विशेष को संरक्षण और बहुसंख्यक समाज के शोषण के नीति पर लगातार चल रही है, उनका प्रश्न देने का काम कर रही है। उसी के तहत है जब छबड़ा धंधे के आरोपी को मुख्यमंत्री जी अपने घर पर बिठाकर रोजा इफ्तार की पार्टी कराने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी, बीजेपी नेता, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को यहाँ पर समर्थन करती हुई, सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है राजस्थान सरकार। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से ये पूरा विवाद पनपा और हिंसा में तब्दील हो गया, एक रिपोर्ट। जोधपुर में देर रात संग्राम, सड़कों पर दो पक्षों में घमासान। राजस्थान के जोधपुर में कल देर रात दो पक्षों की झड़प के बाद इलाके में तनाव है। विवाद के बाद दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई, लाठी से हमले किए गए। चौराहे पर धर्म विशेष का झंडा लगाने से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि सारा इलाका जंग का मैदान बन गया। भारी संख्या में दोनों पक्षों के लोगों के जमा होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जोधपुर जालौरी गेट चौराहे पर सजावट करने को लेकर दो गुटों में हुए विवाद में दोनों तरफ से पत्थर चले और लाठी डंडों से हमला किया गया। झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सीएम गहलोत के गृह जिले में ऐसी घटना कई सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी करौली में हिंसा के बाद गहलोत सरकार कटघरे में है। अब जोधपुर में हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों प्रशासन समय रहते इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाता। अब देखना यह है कि इस मामले में सीएम गहलोत क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो राजस्थान सरकार, जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी एक वर्ग विशेष को समर्थन करने, उसको सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे थे। करौली हिंसा का भी जिक्र कर रहे थे। करौली हिंसा देखिए अभी थमी भी नहीं थी उसकी आग, वो शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं कि आज ईद के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, इस तरह की घटना एक बार फिर से होती है। और इसकी स्क्रिप्ट आप देखिए कि कल ही लिखी जा चुकी थी। कल किस तरह से ये दंगा जो है वो भड़कता है, दो 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 गुटों में आपस में झंडे को लेकर ये विवाद शुरू होता है, फिर उसके बाद आपसी बहस में ये चला जाता है। आपसी बहस के बाद किस तरह से हिंसा तब्दील होता है, एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है।